हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी चैनल्स। आज की वीडियो में बात करते हैं DSSSB जो आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम ले रहा है, जो भी कंटिन्यू कर रहा है, तो उसका क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि DSSSB आने वाले एग्ज़ाम में, फ्यूचर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हमें ये क्वेश्चंस करने या इनका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो देख लें कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये वीडियो जो है वो आप, ये जो पेपर आपका वो है 20/18, यानी कि डास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट का जो अभी हुआ था आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटेंस 4 पार्ट में डिवाइडेड है, उनमें से एक जो वो इनकरेक्ट है, अगर आपका कोई एरर नहीं है तो आपको नो एरर करना है। तो चेन्नई इज होप टू बी ए ग्लोबल इकोनॉमिक हब, अपीयर टू बी कंसिडरेबल वीक एज इट इज स्ट्रगल टू फाइंड वाटर। तो आपका जो यहाँ पे थर्ड पार्ट में एरर लग रहा है, कंसिडरेबल वीक एज इट स्ट्रगल्स टू फाइंड वाटर। तो कंसिडरेबल वीक एज इट स्ट्रगल टू फाइंड वाटर स्ट्रगल्स, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएटेड टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देर इज़ नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो देख लेते हैं, अगर द टू डजन स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल्स लिव टूडे इन हैबिट लेक्स रिवर्स एंड ओकेजनली सी शोर्स वेयर इट्स मोस्ट फीड्स एट मीट एंड फिश, तो दे मोस्टली फीड ऑन। तो यहाँ पे जो है वो इस वाले सेगमेंट में जो आपका यहाँ पे दे मोस्टली फीड ऑन होगा। नेक्स्ट है, द स्टेट गवर्नमेंट्स एट पार्टनरशिप विद द सेंटर मस्ट यूज द फंड्स टू ट्रांसफॉर्म प्राइमरी हेल्थ केयर। तो द स्टेट गवर्नमेंट्स एट पार्टनरशिप जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दिस टीथ बिलोंग टू एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट द लीव्स ब्रांचेज एंड स्टेम्स विच ऑफन रिक्वायर ए लॉट ऑफ चीव बिफोर दे कैन बी डाइजेस्टेड। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बिल्कुल ठीक है ये पूरा आपका सेंटेंस, यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, कोई रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है, हजारस वेस्ट हैज मैनी सोर्स एंड ए लॉन्ग हिस्ट्री डेंजरस पोल्यूशन, तो एंड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डेंजरस, तो यहाँ पे डेंजरस के साथ ऑफ आएगा। इन द एरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज नॉर्वे डैश द चार्ज टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, तो नॉर्वे यहाँ पे देखो हैव तो होगा नहीं, क्योंकि नॉर्वे आपका यहाँ पे सिंगल है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव लेट नहीं होगा और हैड बीन लेड नहीं होगा और इज लेड नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा हैज लेट। यहाँ पे बीन भी नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट फ्यूचर नहीं है, तो यहाँ पे बात आपकी प्रेजेंट की, तो आंसर होगा आपका हैज लेट। द बिगर माउथ्स एंड फंजस ऑफ द स्नेक हेल्प दैम ईट लार्जर प्रे डैश देयर सिबलिंग्स, द बिगर माउथ एंड फेंज ऑफ द स्नेक हेल्प दैम ईट लार्जर प्रे इंक्लूडिंग देयर सिबलिंग, तो इंक्लूडिंग यहाँ पे बेस्ट आंसर है। द सुपर फंड प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड एट रिस्पॉन्स ऑफ ए सीरीज ऑफ हाई प्रोफाइल टॉक्सिक वेस्ट केसेज इन द 1970s, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे ए इन रिस्पॉन्स टू हाई प्रोफाइल टॉक्सिक वेस्ट केसेस इन द 1970s। नेक्स्ट आपको रीअरेंज करना है, तो यहाँ पे पूरा जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा तो उसको रीअरेंज करना है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे आपका ऑलमोस्ट से, ऑलमोस्ट 2 मिलियन एगो केंड हाइनस सेवर टूथ हेड कैट्स एंड कैमल्स रोम्ड अक्रॉस द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। फिर आपका नाउ इन ए सरप्राइज टू पैलेंटोलॉजिस्ट इट सेम्स दे शेयर्ड देयर डोमेन विद एन एनोमस बर्ड दैट वॉज ऑलमोस्ट 12 feet टॉल। उसके बाद आपका द डिस्कवरी डिस्क्राइब टूडे रिप्रेजेंट, और उसके बाद आपका डी, तो CABD आपका जो हो राइट आंसर है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, इन रिसेंट ईयर एन
impressive number of startups and innovators या इन्वेटर्स है, तो यहाँ पे आपका हैव आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव आएगा आपका, हैव एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश डिक्लेयर्ड ए मीनिंग बैन इट्स रिवर्स कैन रिचार्ज देयर सैंडी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे सेंस नहीं आएगा क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, फोर भी नहीं आएगा और येट या आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो अनटिल आपका यहाँ पे राइट आंसर है। टॉक्सिक वेस्ट कैन हार्म पीपल एनिमल एंड प्लांट इट डैश इट्स एंड्स अप इन द ग्राउंड इन स्ट्रीम्स और इवन इन द एयर। तो यहाँ पे आएगा वेदर। नेक्स्ट है आपका, फिर से आपका रीअरेंज करना है, तो स्टार्ट आपका जो डी से होगा क्योंकि सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो डी से हो रही है। फ्रॉम कोलंबिया टू पाकिस्तान टू द नीदरलैंड्स किड्स आर क्लेमिंग ए राइट टू ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड समटाइम्स वेनिंग। तो डी सी बी ए फोर्थ आपका राइट आंसर है। द राइट टू ए हेल्थी एनवायरनमेंट इन नाउ कंसिडर्ड लीगली डैश अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे इस्टेब्लिशिंग नहीं होगा, इस्टेब्लिश नहीं होगा, तो इस्टेब्लिश्ड होगा यहाँ पे आपका डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, एज नाइट फॉल्स द स्काई डैश गिविंग स्टार गजर्स ए ग्लिम्स ऑफ इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका लाइट्स अप। फिर से आपका नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड आ गया, तो आंसर है ए कॉमन हैजर्ड्स वेस्ट फैसिलिटी इन वन दैट स्टोर्स द मटेरियल इन सील्ड कंटेनर्स ऑफ द ग्राउंड। तो आंसर आपका यहाँ पे सील्ड कंटेनर्स ऑन द ग्राउंड, डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि द रिपोर्ट टेल अस दैट एंड द एट द एंड ऑफ द ईयर 2016 देयर वर 433033 पीपल इन प्रिजंस। तो रिपोर्ट ने बताया कि 2016 के अंत में चार लाख 33,033 पीपल जो यहाँ पे प्रिजन में थे, तो नो एरर है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट है, एट द एंड ऑफ द डे सिनेमा ओट टू हैव अस रिकॉग्नाइज कैरेक्टर एज फेलो ह्यूमन बीइंग। तो सिनेमा ओट टू हैव अस यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, यहाँ पे ऑट टू सेकंड में। नेक्स्ट है आपका, व्हेन यू कंबाइन स्मार्ट थिंकिंग विद इवन स्मार्टर टेक्नोलॉजी टू मेक बिग चेंजेस गुड थिंग्स हैपन। तो यहाँ पे आपका आंसर है नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, थर्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द फेलियर टू गेट एन एंटीबायोटिक इफ यू हैव ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन हर्ट यू वेरी बैड। तो कैन हर्ट यू वेरी बैड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आपको रॉन्ग स्पेलिंग चुननी है, वैकेंसीज पैरेलल गलत है, लेबोरियस गलत है, तो बेनिफिशियल जो आपका यहाँ पे गलत है, बाकी वैकेंसीज पैरेलल और लेबोरियस ठीक है आपका। LABORIOUS और PARALLEL और वैकेंसीज आपका ठीक है, बेनिफिशियल आपका राइट आंसर है, ये आपका गलत है, ई नहीं आएगा। जंप ऑन द बैंड वैगन, तो यहाँ पे ईडियम बताना है, जंप ऑन द बैंड वैगन, तो फॉलो द ट्रेंड। नेक्स्ट है, वर्ड विच रिमेन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। तो टू हैव अनलिमिटेड पावर, तो ये है ओमनीपोटेंट, डी आपका राइट आंसर है, टू हैव अनलिमिटेड पावर। नेक्स्ट है, एन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। काउंट समवन जो समवन लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, तो ये है बायोग्राफी जो किसी दूसरे के द्वारा जो है वो यहाँ पे लिखी जाती है, और जो खुद के द्वारा वो होती है ऑटोबायोग्राफी, ये डिफरेंस होता है ऑटो में और बायोग्राफी में। नेक्स्ट है,
एडमेंट एंटोनियम पूछा है, तो एडमेंट आपका एंटोनियम होगा लेनियंट, फिर आपका सिनोनियम कमेंसमेंट, तो यहाँ पे होगा शुरुआत यानी कि बिगनिंग। नेक्स्ट है डिसेप्टिव, तो यहाँ पे आपका मिसलीडिंग आंसर होगा, डिसेप्टिव का मिसलीडिंग। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल टू बिलीव, तो ये है इनक्रेडिबल। नेक्स्ट है गो डाउन इन फ्लेम्स, तो ईडीएम है आपका टू फेल स्पेक्टेक्युलरली, टू फेल स्पेक्टेक्युलरली। फिर है कंसेंट, तो एंटोनियम पूछा आपका, तो ये है डिसेंट। फिर से आपका जो मीनिंगफुल पैराग्राफ को रीअरेंज करना है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम सेंटेंस को इन जनवरी से, एन एनियम्स सोर्स डिलीवर्ड ए वेरी सिक गोल्डन ईगल टू द मोंटेना रैप्टर सेंटर। उसके बाद आएगा आपका द सेंटर इन बिलिंग्स इन रिनो रिन ऑनर्ड रेन ऑनर फॉर इट्स रिहेबिलिटेशन इन इंजर्ड बर्ड्स। फिर आपका सी द यंग मेल ईगल वॉज इन बैड शेप बर्ली ब्रीथिंग कर्ल्ड अप टेलन्स क्लेंज्ड। फोर्थ आपका द एक्सपर्ट एट द सेंटर थॉट द बर्ड डिड नॉट हैव ए चांस टू सर्वाइव, तो ए आपका राइट आंसर है। सॉरी। फिर से आपका जो रॉन्ग स्पेलिंग पूछी है, एलिमिनेट ठीक है आपका, इन एबिलिटी ठीक है, इन प्लीजेंट ठीक है, लेकिन परसेंट यहाँ पे आपका गलत है। नेक्स्ट आइडियम पूछा रन लाइक द विंड टू रन वेरी फास्ट। फिर से आपका रॉन्ग स्पेल पूछी है, पैम्पलेट पैम्पलेट ठीक है, अनफॉरगेटेबल ये गलत है, कंसेवलेबल ठीक है, एक्सशन आपका ठीक है। फिर से आपका सिनोनियम पूछा सेरिन, तो यहाँ पे पीसफुल। फिर आपका पैसेज आ गया जी, 5 नंबर का पैसेज पूछा जाता आपका, तो एजुकेशन हैज़ बिकम वन ऑफ द क्लियरेस्ट इंडिकेटर ऑफ लाइफ आउटकम सच एज एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड सोशल स्टेटस, एट इज़ ए स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ एटीट्यूड एंड वेलबींग। तो आपको फर्स्ट लाइन से या फर्स्ट पता लग गया होगा कि जो है वो ये पैसेज आपका रिलेटेड है कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड। तो चलिए ऑप्शंस देख ले, क्वेश्चंस देख लेते हैं। फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ सैनिसिज्म, तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्टिमिज्म, सैनिसिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो कौन सा जो आपका ट्रू नॉट ट्रू यहाँ पे सही नहीं है, तो एजुकेशन प्ले ए रोल इन शेपिंग पीपल सोशल आइडेंटिटी, बिल्कुल एजुकेशन एक रोल प्ले करती है यहाँ पे पीपल्स सोशल आइडेंटिटी। हायर एजुकेशन लेवल आर एसोसिएटेड विद लोअर लेवल ऑफ पॉलिटिशियन, एजुकेशन हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन इनकम एंड सोशल स्टेटस, बिल्कुल तीनों ऑप्शन आपके ठीक है, लेकिन हायर एजुकेशन लेवल इज एसोसिएटेड विद होस्टाइल एटीट्यूड टूवर्ड या इमिग्रेंट्स, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गिवन पैसेज वी कैन नेगेटिवली इफेक्ट एन इंडिविजुअल सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ बी वेल बींग, तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिवन पैसेज डील, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द, तो द वेल बींग इफेक्ट ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल एजुकेशन से रिलेटेड वेल बींग इफेक्ट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसर्चर्स एनालाइज्ड डाटा फ्रॉम द इंटरनेशनल सोशल सर्वे प्रोग्राम द ब्रिटिश सोशल एटीट्यूड सर्वे द ब्रिटिश हाउस होल्ड पैनल सर्वे, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वन डीजर इन इलीगल बोरवेल्स फ्रीली एडमिटेड टू मी दैट ही हैड पेड ए ब्रीव टू गेट अ परमिट फॉर ए डीप वेल आफ्टर ही हैड ऑलरेडी डग इट, तो आंसर आपका वन डिगर इन इलीगल बोर वेल। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स द इंडियन स्पेस प्रोग्राम फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन दैट गेड टूवर्ड्स नेशनल डेवलपमेंट, तो आंसर आपका हैज बीन थर्ड। नेक्स्ट है द इंडियन हैज प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट दैट चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज बट द लॉ इज
violated several times. तो employment of children, children में कभी भी ऐसा नहीं लगता क्योंकि ये always plural होता है. तो third आपका right answer है. Next है a lunar eclipse occurs when the sun, earth and the moon aligned so that earth's shadow fell above the lunar disk. तो आंसर है आपका यहाँ पे fall above the lunar disk. थर्ड. नेक्स्ट है द वर्ल्ड मूव्स अवे फ्रॉम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियल बेस टू नॉलेज इंटेंसिव इंफॉर्मेशन बेस द रोल ऑफ द सर्विस सेक्टर विल इंक्रीज. तो ये है सब्सटेंटिटली. तो एज द वर्ल्ड मूव्स होगा फोर्थ राइट है. नेक्स्ट है द 19th सेंचुरी सॉ द एडवेंट टू द टेलीग्राफ द टेलीफोन एंड द कैमरा डैश द डेवलपमेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल. तो एंड द कैमरा तो दो से ज़्यादा चीज़ है तो एलोंग विद आएगा यहाँ पे फर्स्ट राइट है. नेक्स्ट है इट इज़ ओनली डैश इनिशिएटिव दैट वन कैन टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू इम्प्लीमेंट आइडियाज़ प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट. तो इट इज़ ओनली थ्रू इनिशिएटिव. थर्ड आपका राइट है. नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स द प्रैक्टिकल गार्डनर नोज दैट बोथ सीड एंड द सोइल आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ए प्लांट. थर्ड. नेक्स्ट है मीनिंगफुल सेंटेंस है उनको अरेंज कर रहा है. तो सी आपका जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सी से फिर आपका इन बेंगलोर द गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट दैट फिर आपका ओवरसीज ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन has just 6 employees. फिर है आपका डी एंड thus no earthly way to monitor and enforce the law in this sprawling city. तो सी ए डी बी. नेक्स्ट है फिर से आपका यहाँ पे टू कोपिंग विद द हीट मैनी सिटीज आर प्लांटिंग ट्रीज एंड कार्विंग आउट ओपन स्पेसिस. तो यहाँ पे आंसर है टू कोप विद द हीट. फोर्थ आपका राइट है. नेक्स्ट है प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी डिलीवर ए स्टीरिंग स्पीच टू कांग्रेस प्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग एज एस्ट्रोनॉट टू द मून. तो ये आपका डिलीवर ए स्टीरिंग स्पीच. नेक्स्ट आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना फिर. तो स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस इट इज़ लॉन्ग बीन थॉट दैट ओनली वन इंसेक्ट या दिस आर ऑर्चिड हैव लॉन्ग नेक्टर एज दे फीड मंथ रब अगेंस्ट ए पोलन सोर्स. तो यहाँ पे स्टार्ट होगा फोर एक्सोटिक ब्यूटी फ्यू फ्लावर्स रिवल द घोस्ट ऑर्चिड एज दे फीड दीज आर ऑर्चिड दे हैव लॉन्ग नेक्टर ट्यूब. उसके बाद है आपका एज दे फीड लास्ट में आपका इट इज लॉन्ग बीन थॉट. तो ए डी सी भी आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट है इफ यू आर नॉट एक्चुअली स्टडिंग द अफेक्ट ऑफ इमोशन ऑन अदर्स तो वी आर मिसिंग एन इम्पोर्टेंट सोशल एस्पेक्ट. तो द अफेक्ट ऑफ इमोशंस ऑन अदर्स थर्ड आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट है द मेजर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन इज दैट इट हैज़ ब्रॉट पीपल टूगेदर एंड fostered the feeling of a global village. First आपका right answer है. Next है being one of the 10 most industrialized nations in the world, Indian industry has lagged behind other countries in effective and proper use of inputs. तो answer होगा आपका despite. फिर से आपका no substitution required. में पूछा गया कि इन अक्टूबर 1997 टूरिस्ट नियर सैन फ्रांसिस्को विटनेस्ड टू किलर वेल्स अटैच्ड ए ग्रेट वाइल्ड शार्क एंड कंज्यूम्ड इट्स लीवर. तो आंसर आपका अटैक ए ग्रेट वाइल्ड शार्क एंड कंज्यूम. नेक्स्ट है द ओका पॉपुलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका इज लेस वेल स्टडीड देन द वन ऑफ कैलिफोर्निया इन अ
पार्ट बिकॉज ह्यूमंस रेयरली इनकाउंटर दैम. तो यहाँ पे नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, बिल्कुल ठीक आपका. फिर से आपका है कि इट्स लाइक दैट ऑर्कस टारगेटेड शार्क लीवर्स बिकॉज दे आर हाई फैट एंड डिलीशियस. तो इट इज़ लाइकली दैट ऑर्कस टारगेट. नेक्स्ट है विजिटर्स टू द कैनेडी स्पेस सेंटर कैन लर्न अबाउट द प्रोग्रेस एंड फेलियर्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन. तो कैन लर्न अबाउट दी. नेक्स्ट है वी ऑल एक्सपीरियंस द कॉन्स्टेंट ड्रामा ऑफ द न्यू एंड द कॉन्स्टेंट सोरो ऑफ द लूजिंग ऑफ वॉट वी हैड लेफ्ट बिहाइंड. तो आंसर है द लॉस ऑफ वॉट वी हैव लेफ्ट बिहाइंड, थर्ड. फिर आपका कि द वर्ड विच मीनिंग द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड. तो यहाँ पे गैस्ट्रोनॉमी. फिर है आपका सिनोनियम वेनरेबल. तो यहाँ पे आंसर होगा सेलिब्रेटेड. फिर से आपका रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग कैटल. तो ये है बोविन, बोवाइन. फिर आपका इरोनियस, इरोनियस. तो यहाँ पे आपका आंसर है सिनोनियम इसका मिस्टेकन. नेक्स्ट आपका एंटोनियम सोफिस्ट, सोफिस्टिशिएटेड. तो आंसर है अनरिफाइंड. नेक्स्ट है पुल योर सेल्फ टुगेदर. तो आंसर है टू कॉल वन सेल्फ डाउन, थर्ड. सेलेक्ट द रोंगली. तो यहाँ पे आपका डेलिब्रेट ये आंसर गलत है. पैथोलॉजी ठीक है, कैलस ठीक है, एडमोनिश ठीक है, लेकिन डेलिब्रेट आपका गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता. फिर आपका इडियम मिस द बोट. तो आंसर है टू लूज द अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल ठीक है. फिर आपका रोंगली स्पेल. तो जुबिलियंट आपका जो है वो गलत है. डिमीन सेल्यूटेशन क्रॉनिकल ये आपका ठीक है, रेशन ठीक है, डी मीन ठीक है, लेकिन ये आपका फोर्थ गलत है. फिर है रॉन्ग स्पेल्स. तो बिगनिंग ठीक है, इंक्रीमेंट ठीक है, इमेजिनेशन ठीक है. तो यहाँ पे जीलियस आपका गलत है. बैक टू स्क्वेयर वन. तो बैक टू द वेरी फर्स्ट स्टेज, थर्ड आपका आंसर है ईडियम. एक्स्ट्रावेगेंट का तो यहाँ पे रीजनेबल. नेक्स्ट है सेंटेंस फोर पार्ट. तो यहाँ पे रीअरेंज कर रहा है. तो स्टार्टिंग आपकी डी पार्ट से होगी क्योंकि इज द एंड से नहीं होगी. सबसे पहले इवन ऑन द क्यूटीएस्ट डे द वर्ल्ड. उसके बाद है इज फुल ऑफ साउंड बर्ड्स ट्रिपिंग वाइन रस्लिंग थ्रू ट्रीज. उसके बाद आपका सी एंड इंसेक्ट ह्यूमनिंग अबाउट देयर बिजनेस द ईयर्स ऑफ बोथ प्रेडिक्टर एंड प्रे एंड अट्यून टू द अनदर प्रेजेंस. नेक्स्ट है ए पैसेज बिटवीन रॉ ऑफ सीट इन ए बिल्डिंग सच एज ए चर्च ऑफ थिएटर एंड क्राफ्ट टू. तो यहाँ पे ऐसे आंसर होगा फोर्थ. फिर आपका हीडियस तो अनप्लीजेंट. फिर से आपका पैसेज आ गया कि ऑलमोस्ट एवरी वन ग्रो अप इन द वर्ल्ड विच इज़ फ्लोडेड विद द मास मीडिया टेलीविजन एडवर्टीज फिल्म वीडियोज बिलबोर्ड मैगजीन मूवी न्यूज़पेपर इंटरनेट. तो जो वर्ल्ड में ये सब जो ग्रोइंग कर रहा है. तो आपको पैसेज की लाइन पढ़ के पता हो गया होगा कि तो मास कम्युनिकेशन टूल्स अवेलेबल टू द मार्केटर्स डज नॉट इंक्लूड. तो मास कम्युनिकेशन टूल्स में क्या अवेलेबल. तो यहाँ पे आपका टेलीविज़न सेल्स प्रमोशन एडवर्टीज पब्लिकेशन ठीक है, लेकिन टेलीविज़न आपका आंसर होगा. नेक्स्ट है फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम एज द वर्ड कॉग्निशन. तो कॉग्निशन की आपकी हिंदी होती है संज्ञान. तो सेकंड पैराग्राफ में थर्ड लाइन आपका आंसर होगा यहाँ पे परसेप्शन. नेक्स्ट है एज ए सबसेट ऑफ मार्केटिंग मिक्स एडवर्टाइजिंग इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग इज. तो यहाँ पे आंसर होगा प्रमोशन, थर्ड. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स हैज नॉट बीन डिस्कस्ड इन द पैसेज. तो ये है कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स इन द मार्केट, सेकेंड. नेक्स्ट है कंज्यूमेरिज्म इज डिफाइंड इन द पैसेज एज. तो ये है एक्वेटिंग पर्सनल हैप्पीनेस विद मटेरियल पोसेशंस. नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर.
A number of worldwide shark attacks has grown at a steady pace since 1900. The Shamian Islands are fast sinking than expected due to global warming. They are sinking faster. तो आंसर सेकंड होगा. इमेजेस इन द मीडिया कैन शेप हाउ पीपल सी ईच अदर डैश टू बायस एंड कॉन्सिक्वेंसेस दैट इम्पैक्ट अस ऑल. तो ईच अदर लीडिंग टू बायस एंड कॉन्सिक्वेंस. तो यहाँ पे आंसर है लीडिंग. नो मैटर वेयर यू गो एंड व्हाट टाइप ऑफ सफारी यू डैश टाइमिंग इज द की. तो चूज होगा. नेक्स्ट है आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. तो फर्स्ट है ए डे टू सेलिब्रेट ऑल फादर्स व्हाट बिगन एज वन वुमेन्स ट्रिब्यूट टू हर. तो आंसर होगा आपका यहाँ पे व्हाट बिगन एज वन वुमेन्स ट्रिब्यूट टू हर डैड टर्न इनटू ए लाइफ लॉन्ग मिशन फॉर ए डे टू सेलिब्रेट ऑल फादर्स. तो बी सी डी ए. फिर फोटोग्राफर्स हैव बीन striving to take iconic picture of the world's highest mountain the Mount Everest. तो second आपका right answer है. next है somehow the sea turtles has survived the ice ages and the extinction event. तो यहाँ पे has survived की जगह have survived. next है highness might have a bad reputation but they are one of Africa's most successful predators. तो no substitution required. यहाँ पे कोई substitution required की जरूरत मतलब नहीं है. if we does not plant tree तो there may be nothing left for our children. तो does not plant. A teeny old star just 12 light years away might dash two rocky planet astronomers and a new study has found Spliffe Parade host a cluster. तो answer है host. Next है encounters with the big fish are rare but it can be deadly. तो answer है but they can be. Next है फिर आपका meaningful sentence rearrange करना है. तो स्टार्टिंग आपकी होगी वी हैव हंटेड दैम स्नेज दैम. नेक्स्ट है उसके बाद एज द वर्ल्ड स्ट्रगल्स विद डाइवर्सिटी लॉस. नेक्स्ट है द रिस्क फेसिंग द सेवेंथ. नेक्स्ट है एंड येट समहाउ. तो ए बी ए डी बी एंड सी. नेक्स्ट है आईब्रो मूवमेंट प्लेइंग ए मेजर रोल इन ह्यूमन कम्युनिकेशन. तो प्लेइंग ग्रामेटिकल एरर प्लेइंग में. नेक्स्ट है पुल्लिंग द बैलेंस लॉर्ड ब्रूमल बिकेम ए सिंबल ऑफ ए न्यू मैस्कुलाइन स्टाइल वन दैट स्टिल दैट द वे पीपल ड्रेस टुडे. तो डिक्टेट्स. नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर. तो इन टोटल देयर वर अराउंड 6 ऑर्कस स्प्रेड ऑफ इन ग्रुप ऑफ 2 or 3. तो ये स्प्रेड ऑफ. ग्रामेटिकल एरर देखना है थ्रू दो Leopards look fearsome, they avoid human and can be tricky to spotting. तो answer है to spotting. Next, fling the blanks. Every few yards he digs a shallow hole in the rich red soil and dash the leafy sapling of an ebony trees. तो answer है plant. Next है fling the blanks. Tiger and bull sharks are two species often found dash the coast or and are known to bite people. तो ये है along. A study has found that dogs are uniquely skilled at understanding gestures. तो at understanding gestures. The total number of plastic toothbrushes being produced, used and thrown away each year has grown steadily. तो ये आंसर है बीइंग प्रोड्यूस्ड यूज्ड एंड थ्रोन.
नेक्स्ट है ए वाइट एलिफेंट, तो एन एक्सपेंसिव आइटम दैट इज ट्रबलसम और यूजलेस। नेक्स्ट है सेम एज द सेम ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड, एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ द नाइट और ऑफ डार्कनेस, तो नाइकटोफोबिया, एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ द नाइट ऑफ द डार्कनेस, तो यह है नाइकटोफोबिया। नेक्स्ट है idiom ए स्क्वायर डील, तो ए फेयर एंड ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो आंसर है इम्पेशेंट। फिर से आपका सिनोनियम पूछा है रिमोर्स, तो आंसर है रिग्रेट। नेक्स्ट है एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू सेटल ए डिस्प्यूट, तो ये है आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है idiom इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, तो ये है राइट डाउन और इन प्रिंट। नेक्स्ट है एंटोनियम बूस्ट का, तो ये है डिक्लाइन। नेक्स्ट है इम्पोलाइट का सिनोनियम, तो ये है रूड। ए रूम और बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट, तो यह है मोर्क्री, MORTURY, मोर्क्री, जहाँ पे मतलब डेड बॉडीज को रखा जाता है, तो ये है मॉर्चुरी। नेक्स्ट है आपका मीनिंगफुल पैराग्राफ, तो स्टार्टिंग आपकी ए से ही होगी, ए सी बी डी। नेक्स्ट है रॉन्ग स्पेलिंग, तो रेडिकुलस, इनह्यूमन ठीक है, समराइज ठीक है, रिसेप्शनिस्ट ठीक है, फिर है बिजेरी, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका अनयूजुअल। नेक्स्ट है रॉन्ग स्पेलिंग, तो स्पेशली, स्पेशली ठीक है, स्पेशलिस्ट ठीक है, स्पेशलाइजेशन ठीक है, तो लेकिन एस एक्सपेशली ये गलत है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट है इम्प्रिसन, यहाँ पे एंटोनियम पूछा, तो ये है रिलीज। फिर से आपका यहाँ पे पैसेज आ गया, ग्लोबल वार्मिंग इज द स्लो इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर बिकॉज एन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ द एनर्जी स्ट्राइकिंग द अर्थ फ्रॉम द सन इज बींग ट्रैप्ड एंड इन द एटमोसफेयर आर नॉट रेडिएटेड आउट इन टू स्पेस। द अर्थ एटमोसफेयर हैज़ ऑलवेज एक्टेड लाइक ए ग्रीन हाउस टू कैप्चर द सन्स हीट, इंश्योरिंग दैट द अर्थ हैज़ इन्जॉयड टेम्परेचर्स दैट परमिटेड द एमर्जेंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज़ वी नो दैम इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। विदाउट आवर एटमोसफेयरिक ग्रीन हाउस द अर्थ वुड बी, तो ये पैसेज पढ़ लीजिए, पैसेज है द अर्थ एटमोसफेयर इज बींग कम्पेयर टू, तो एक ग्रीन हाउस से। नेक्स्ट है सिलेक्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन वर्ड, तो अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल। फिर है पैसेज डिस्क्राइब अपोजिट प्रॉब्लम, तो द फैक्ट दैट टू मच सन वार्म्थ इज बींग ट्रैप्ड इन अर्थ एटमोसफेयर, सेकेंड राइट। नेक्स्ट है द पैसेज इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन फ्रॉम, तो ए साइंस जर्नल, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट इज मोस्ट सिमिलर टू द रेडिएटेड और इन यूज्ड इन पैसेज, तो ये है रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर, द वर्ल्ड हैज ए प्लास्टिक पोल्यूशन प्रॉब्लम एंड इट्स एक्सेलरेटिंग डैश सो इज पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन, तो बट आएगा आंसर। नेक्स्ट है देर आर मैनी पीपल्स हु वॉन्ट टू नो इफ पेंजुइन्स आर एज क्लेवर लाइक दे आर क्यूट, तो आर एज क्लेवर एज दे, तो आंसर आपका सेकेंड। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द विलेज इज होम टू नियरली 30 थर्मल वॉज रिजर्वोरियस ऑफ टेम्परेचर एंड केमिकल कंपोजिशन, तो आंसर है डेफ रिंग। नेक्स्ट है फ्रिंग द ब्लेस, द कोलोराडो प्लेटू एरिया विच ऑल्सो कवर्स पार्ट्स ऑफ अराइजोना कोलोराडो एंड न्यू मैक्सिको एज रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फ्रॉम 400 million years, तो ये आंसर है अराउंड। डैश एप्पल्स आर द स्टार ऑफ फॉल देन स्ट्रॉबेरीज टेक द सेंटर स्टेज ऑफ समर एंड देयर इज नो मैटर बेटर प्लेस टू स्नैक ऑन दीज रेड ब्यूटीज देन द नेशनल पार्क, तो आंसर है इफ।
फिर आपका मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो स्टार्टिंग होगा आपका एन ऑल फीमेल मिशन टेंड्स टू बी समथिंग द नासा हैज़ अवॉइडेड इन असाइनमेंट्स बिकॉज इट सेम लाइक ए स्टंट। तो आंसर आपका DACB। नेक्स्ट है वी सी द टीनी आउटडोर किचन वर द इंस्लेव्ड कुक डैश मील्स फॉर द मास्टर्स फैमिली। तो आंसर है वुड हैव प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट है ह्यूमंस आर नॉट ऑन द मेन्यू ऑफ शार्क शार्क बाइट ह्यूमन आउट ऑफ क्यूरियसिटी और टू डिफेंड इट सेल्फ। तो आंसर है आपका यहाँ पे डिफेंड इट सेल्फ। फिर आपका टू स्केप द अटेंशन ऑफ प्रेडिटर्स द बर्ड नेस्ट अंडरग्राउंड इन ब्यूरोस एंड कम एंड गोज ओनली एट द नाइट। तो कम एंड गो ओनली एट नाइट। ए स्टडी फाइंड्स दैट सी बर्ड्स आर बींग डिस्ट्रॉय बाई प्रेडिटर्स फिशिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो आंसर है बींग डिस्ट्रॉय। बिगनिंग इन द मिड 1980s मैनी अमेरिकन स्टेट्स टुक नोट ऑफ द इकोलॉजिकल हैवक एंड इम्पोज्ड सेवर रेस्ट्रिक्शंस और आउटराइट बैन्स ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक। सेकेंड आपका राइट है। ए नंबर ऑफ लोकल बिजनेस हैव डैश स्टार्टिंग स्विचिंग टू रिसेबल वॉशेबल स्ट्रॉज ऑफ डिस्पोजेबल वंस। तो आंसर है ऑलरेडी। वंस यू विजिट लेक सुनेपी इन द समर यू विल काउंट डैश द डेज अंटिल इट्स टाइम टू रिटर्न। Once you visit Lake Snappy in the summer, you will count the days until it's time to return. The answer is down. Or killing the trees in the Sundarbans, the natural what protects rising waters and illicit logging the India-Bangladesh coast. The answer is आपका यहाँ पे सबसे पहले rising waters and illicit logging, all killing the trees in the Sundarbans. The natural wall tell that protects the India Bangladesh coast CABD. The 13th amendment to the nation's constitution that outlawed a practice was ratified in December 1865. Which outlawed the Nazaré is the one of the most attractive beach dashed in Portugal with some of the largest waves in the world. To towns artificial island commonly known crannogs are found in hundreds the Scottish lake and waterways. To a commonly known. Next I was there to short a story about Iceland restoration in the east coast of Africa in India Ocean. तो आंसर है in India Ocean. Emperor penguins in extremely good at staying warm in the frigid Antarctic winter. तो आंसर है are extremely good at. Single use plastic from straw to retail bags in illegal in Vermont by summer 2020. तो ये इज लीगल इलीगल। नेक्स्ट है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ ए कंट्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है ओलिगार्ची। नेक्स्ट है अंडर द वाटर एडियम का होगा तो टू बी माइल्डली इल। नेक्स्ट है सुप्रेस ऑपलेंट सेंसर और इंटीग्रिटी। ये तीनों ऑप्शन ठीक है लेकिन सुप्रेस यहाँ पे गलत है। इन वोयस तो आंसर होगा इसका सिनोनियम रिसेंट फुल।
नेक्स्ट है ए पर्सन नोइंग और यूजिंग सेवरल लैंग्वेजेस, तो आंसर है पॉलीग्लॉट। एक्स्ट्रा वैकेंट का होगा आपका मी एग्री, टू क्रॉस वंस माइंड, तो टू बी शॉर्ट ऑफ बाय वन। नेक्स्ट है रॉन्ग स्पेल, तो डाइवर्जेंट थर्ड आपका राइट है। फिर है फैंट हर्ट, तो ये आपका ग्लैंट। ये पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, तो एमनेशिया। कंटामिनेट का सिनोनियम, तो यह पोल्यूट। ऑन द डॉट का ईडियम क्या होगा, एट द एग्जैक्ट टाइम स्पेसिफाइड स्पेसिफिड। नेक्स्ट है द डिबट सिंगर वाज शोवर्ड विद डैश ऑन हर न्यू पॉपुलर सॉन्ग, द ड्रेस शी ब्रॉट फॉर द पार्टी डिड नॉट डैश हर स्टाइल, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट। फिर से आपका मीनिंगफुल पैराग्राफ है, उसको रीअरेंज करना है, तो स्टार्टिंग होगी आपकी बोस्टवाना वाइडली कंसिडर्ड ए, उसके बाद होगा वी हैव ए सिग्निफिकेंट पोचिंग प्रॉब्लम, उसके बाद वी आर वॉर्न्ड बाय कंजर्वेशनिस्ट, फिर आपका ई बोट्सवाना इज एस्टिमेटेड, उसके बाद है अंटिल रिसेंटली द साउथर्न अमेरिकन अफ्रीकन कंट्री हैड लार्जली एस्केप्ड, तो डी सी ए ई बी आपका राइट आंसर है। फिर आपका रॉन्ग स्पेल पूछा है, तो सेकंड आपका आंसर है। फिर आपका पैसेज आ गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ क्रॉप लाइव एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स मच मोर देन चूजिंग नॉट टू यूज पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक एंड ग्रोथ हॉर्मोन्स, तो आंसर है प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिस मस्ट नॉट बी यूज्ड ऑन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फॉर्म्स, तो एट लीस्ट 3 ईयर्स आपका ऑप्शन है यहाँ पे, एट लीस्ट 3 ईयर। द पर्पज ऑफ द पैसेज टू, तो थ्रू लाइट ओपन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन जनरल, तो ये पर्पज है। मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग, तो यहाँ पे वर्ड को जो है वो मैच करना है, तो आंसर आपका है थर्ड ए डाइवर्स यानी कि डिफरेंट, बी का प्रिंसिपल यानी कि इम्पोर्टेंट, सी का हारमोनियस का हो जाएगा एफ यानी कि डिफरेंट। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज प्रिवेंटिटेटिव एंड डिजीज कंट्रोल मेथड डू नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर है प्रोटीन सप्लीमेंट्स। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट प्रमोट द यूज ऑफ क्रॉप रोटेशंस एंड कवर क्रॉप्स, सेकेंड आपका राइट आंसर है। अरेंज करने हैं ये सेंटेंस को, तो फर्स्ट आपका फर्स्ट ही होगा, फिर भी आपका सीक्वेंस में ये ऑलरेडी जो है वो रीअरेंज है, तो आंसर आपका थर्ड। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट फ्रॉम क्रिक्स टू रिवर हैव मोर देन 10,000 स्पीशीज ऑफ विश वी माइट नेवर गेट द चांस टू सी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका वी माइट नेवर गेट। सेकेंड इट वॉज द समर ऑफ 1994 एंड ही वॉज डूइंग रिसर्च ऑन द इकोलॉजी ऑफ येलो स्टोन लेक, तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, आंसर आपका सेकेंड। नेक्स्ट है वॉल्व्स आर अमंग आवर प्लैनेट्स बेस्ट स्टडीड एनिमल येट डैश हैबिट हैव रिमेन्ड रिलेटिवली मिस्टीरियस, तो आंसर होगा देयर हैबिट यानी कि सेकेंड। नेक्स्ट है दे हैव बीन कॉल्ड रैट्स विद टेल्स द हम्बल ईस्टर्न ग्रे स्क्वायरल इज फाइनली डैश समटाइम इन द स्पॉटलाइट, तो इज फाइनली गेटिंग समटाइम्स।
नेक्स्ट है द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्वेरियम इज ए लिटिल क्विट दिस आफ्टरनून विद द चेंजिंग टाइड लिमिटिंग विजिबिलिटी टू लेस देन 30 feet. तो आंसर है नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड. नेक्स्ट है द बॉटम सरफेस ऑफ द सी आइस इज ए थिक स्लरी ऑफ फ्लोटिंग आइस क्रिस्टल्स एंड माई डिसेंट डैश दैम इन मोशन. तो हैव सेट आंसर होगा थर्ड. फिर है प्लेनेटरी साइंटिस्ट यूज सोल्स्टिसिस एंड एक्विनॉक्स टू डिफाइनिंग सीजन फॉर अदर प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम. तो आंसर है टू डिफाइनिंग सीजन्स फॉर. नेक्स्ट है क्रिएटिविटी इज कंटेनिजियस एंड द योर शॉर्ट फोटो कम्युनिटी स्प्रेड्स इट एवरी डे. तो आंसर है नो एरर. इसे आपको अरेंज करना है तो वॉट डू यू डू वैन नोबडी. फिर आपका सेल्फ पोर्ट्रेट हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री इन द आर्ट वर्ल्ड. नेक्स्ट है विद द राइज ऑफ स्मार्टफोन सेल्फ इज कैप्चर्ड बाई कैमराज अदर देन पेंट एव बिकेम. नेक्स्ट है सिंस 2014 द यूनाइटेड स्टेट और डी ए सी भी आपका जो राइट आंसर है. नेक्स्ट है मैनी बायोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट इट वॉज टाइम टू रिमूव द येलो स्टोन ग्रिजली बियर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पाइसिस. तो इट इज़ टाइम टू रिमूव फर्स्ट आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट है कि ईच ईयर द स्क्वायरल्स हर्ड सीड्स एंड नट्स इन वेरियस प्लेसेस यूजिंग देयर एक्सीलेंट सेंस इन स्मेल टू लोकेट द फूड. तो आंसर है सेंस इन स्मेल टू लोकेट द फूड फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट है ईच ईयर द स्क्वायरल हर्ड सीड्स एंड नट्स सॉरी रिसर्चर हैव फाउंड दैट वॉल्व्स इज फार मोर फ्लेक्सिबल देन मोस्ट पीपल हैड रियलाइज्ड. तो आंसर है आर फार मोर फ्लेक्सिबल देन. तो थर्ड आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट है द ग्लेशियर्स इन द हिमालय आर मच लेस स्टडीड देन ग्रीनलैंड्स डैश इट इज अमंगस्ट द मोस्ट डेंजरस रीजन्स. तो आंसर है बिकॉज फर्स्ट. नेक्स्ट है इन केस द एबिलिटी टू ग्लाइड बिटवीन ट्रीज इज नॉट कूल इनफ अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट फ्लाइंग स्क्वायरल फॉर ग्लोव्स पिंक. तो आंसर है फ्लाइंग स्क्वायरल फॉर ग्लोव्स पिंक. नेक्स्ट है डैश द नंबर ऑफ फिश डिसलाइन देयर विल बी फेवर अपॉर्चुनिटी टू गो फिशिंग इन द लेक. तो आंसर है एज. ऑन ए ट्रिप टू द फॉरेस्ट ऑफ साउथर्न इंडिया आई वॉज टर्निंग टू सी मैसिव रोडेंट्स लिपिंग ट्री टॉप टू ट्री टॉप. तो आई वॉज टर्निंग टू सी मैसिव. इट हार्ड टू बिलीव दैट द रेड वोल्व्स एंड ग्रे वोल्व्स आर स्टिल एज दे वर थॉट टू बी एक्सटिंक्ट. तो आंसर है अराउंड. नेक्स्ट है एल्यूमिनियम लो डेंसिटी लाइट वेट एंड मेलेबिलिटी डैश इफ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स डैश इंडस्ट्री टूडे. तो आंसर है मेक फर्स्ट में एंड सेकेंड में इन. नेक्स्ट है इन नवंबर 2018 रिलीजन अथॉरिटीज ओपन एन इन्वेस्टिगेशन दैट डैश द इलीगल कैप्चर ऑफ मैरीन मैमल्स. तो आंसर है इन टू द इलीगल. नेक्स्ट है स्पील द बीन्स तो टू रिवील इज ग्रेट. नेक्स्ट है मैन शन तो आंसर है ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस. नेक्स्ट है रॉन्ग स्पेलिंग पूछे तो एप्रेंस गलत आपका एक्सटेंशन इनोसेंस ऑब्स्टेकल ठीक है. ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर तो ये है पॉजिटिव मॉस. नेक्स्ट है रॉन्गली स्पेल तो हाइजीन आपका जो रॉन्ग है इलिस्ट्रेट अराउजिंग जिमनेशियम ये ठीक है आपके. टू हैव ए स्वीट टोथ तो आंसर है प्रेफरेंस फॉर सर्जरी फूड्स. द स्टेन्ड ग्लास विंडो बिहाइंड द डैश इन ग्लेन चर्च आर इन
need of repair. Genetic screening has the potential to dash the genetic composition of the population. तो आंसर है दोनों में आपके, एक में आएगा alter, एक में आएगा alter. Next है call it a day. तो to stop working. फिर आपका एंटोनियो पूछा है तो obedient आपका मिस शिवियस का जो आंसर. नेक्स्ट है रेसिस्टेंस का सिनोनियम तो ये है रिफ्यूज़ल. फिर आपका इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई तो ये है अनसेटिएबल. नेक्स्ट है सेंटेंस को अरेंज करके लिखना है. तो फर्स्ट यूरी ग्रेजियन ऑल सेफर डैनियल स्टॉमस्ट्रॉन्ग ठीक है बी बट अर्ली स्पेस फ्लाइट वॉज नॉट द एक्सक्लूसिव ये ठीक है. उसके बाद आएगा फ्रूट लाइक मंकी माइस डॉग्स रैबिट. उसके बाद मोर देन थ्री ईयर्स बिफोर गार्जियन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस द सोवियट्स सेंट अप ए स्ट्रे डॉग्स. तो ए बी डी सी आपका राइट आंसर है. फिर आपका रॉन्ग स्पेलिंग तो इन एंड वियर एंड ई वी ओ कंपटीशन एलिमिनेट एबसेंस तो एलिमिनेट यहाँ पे आपका गलत है. नेक्स्ट है ए पर्सन और थिंग लिविंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम एज अनदर तो यहाँ पे कंटेम्प्रेरी जिसकी हिंदी होती है समकालीन. तो फोर्थ आपका राइट आंसर है. फिर है हारमनी का एंटोनियम तो डिस्कॉर्ड. फिर आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पैसेज है चलिए देख लेते हैं. तो व्हाई डज द ऑथर स्टेट दैट द वॉल ऑफ द क्लासरूम आर नो लॉन्गर ए बैरियर तो एट एज टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड न्यू वे ऑफ लर्निंग कम्युनिकेटिंग एंड वर्किंग कोलेबरेटिवली. नेक्स्ट आपका फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन चूज द ऑप्शंस दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड आइसोलेटेड थर्ड पैराग्राफ सेकेंड लाइन तो ये है डी टेस्ट. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑथर ए साइकनिक वुड से दैट टेक्नोलॉजी हैज़ डन नथिंग टू चेंज एजुकेशन बिकॉज क्लासरूम टुडे डू नॉट लुक मच डिफरेंट फ्रॉम द वे देवर इन द पास्ट. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेंट ऑफ द पैसेज तो इन मेडिवल टाइम टू मैनी हैड एक्सेस टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सेकेंड आपका राइट है. द गिवन पैसेज अटेम्प्ट टू आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन तो हाउ हैज टेक्नोलॉजी चेंज एजुकेशन तो फोर्थ आपका राइट आंसर. नेक्स्ट 40 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. मिनी फुल ऑर्डर में लिखना है ये सेंटेंस तो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट है क्लीवलैंड्स उसके बाद है वंस उसके बाद आएगा फिर आपका हैज सीन उसके बाद है बोथ ऑफ ऑन द सरफेस एंड बिलो तो डी ए बी सी आपका जो हो राइट आंसर है. नेक्स्ट है कैमरा यूज इन स्पेस नीड्स टू सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन लाइक टेम्परेचर स्विंग्स फ्रॉम -149 degrees टू 248 degrees फ़ारेनहाइट तो नीड टू सर्वाइव आंसर होगा यहाँ पे. नेक्स्ट है सिटीज़ एंड सिटी रेजिडेंट्स कैन बी ग्रू 30% ऑफ द मिल्कवेड प्लांट्स मोनार्क बटरफ्लाइज नीड टू सर्वाइव तो आंसर आपका कुड ग्रो 30% ऑफ तो थर्ड आपका जो राइट आंसर है. ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंस तो द फैन इज नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट ठीक है. ही सजेस्ट दैट स्टेप मस्ट बी टेकन टू सच एज इनक्रेडिबल लैंडस्केप ठीक है. समटाइम्स कस्टमर विल कम एंड आस्क वेरी इंटेलिजेंट एंड रेलिवेंट क्वेश्चंस ठीक है. इफ़ यू डू नॉट वॉच न्यूज़ तो हाउ विल यू नॉन तो ये जो ग्रामेटिकली आपका इनकरेक्ट लग रहा है तो है भी इनकरेक्ट ही. नेक्स्ट है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट तो ये है मल्टीपल स्टेट्स हैव बैन वन और मोर ऑफ दिस प्लास्टिक तो फर्स्ट जो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है स्टडी शो ग्रीन स्पेस मेक पीपल्स हैप्पियर एंड हेल्थियर तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट है द रेड फॉक्स विच इज टिपिकली फाउंड एंड साउथ इज मूविंग नॉर्थ ऑन टू द टुंड्रा एंड कंपीटिंग विद द आर्कटिक फॉक्स फॉर फूड एंड टेरिटरी तो आंसर है फर्दर. नेक्स्ट है कटिंग हार्मफुल
planet warming, pollution by switching dash fossil fuel is key to safeguarding Earth's tundra habitats. तो इसका आंसर है अवे फ्रॉम. नेक्स्ट है इनकरेक्ट सेंटेंस. येलोस्टोन इज ए ग्रेट पब्लिक अट्रैक्शन. ठीक है. द पार्क वाज और फैन आइडिया विद नो क्लैरिटी और पर्पस. तो ये जो आपका रोग है आर्कटिक क्लाउड आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव डैश एयर पोल्यूशन विच स्पर्स क्लाउड फॉर्मेशन एंड हैज ए ब्लैंकेटिंग अफेक्ट. तो आंसर है इसका टू. टुंड्रा प्लांट्स हैव डेवलप्ड एडेप्टेशन दैट डैश देम थ्रीव इन दिस हर्श क्लाइमेट. तो आंसर है इसका हेल्प. थ्रू द स्ट्रगल द ट्राइब हैज मैनेज्ड डैश देयर लैंग्वेज देयर एनिमिस्ट वर्ल्ड व्यू एंड देयर नोमैडिक ट्रेडिशंस. तो ये आंसर टू सस्टेन. ए नोवेयर ऑन अर्थ हैज सच ए स्टनिंग डिस्प्ले ऑन वाइल्ड लाइफ द मैस्ट विद एन इनक्रेडिबल. तो स्टार्ट करते हैं इसका येलोस्टोन से है फिर आपका एंड इट्स इजी उसके बाद नो वेयर ऑन अर्थ और लास्ट है इसका इट्स रियली इट रियली इज. तो आंसर है बी डी ए सी. डैश द स्पीशीज सर्वाइवल इन सर्टेन कंजर्वेशनिस्ट वो नॉट टेल एनीवन वेयर दे आर. तो यहाँ पे अंटिल आएगा. नेक्स्ट है ट्रीज रोल इन एन इकोसिस्टम इज डैश कॉम्प्लेक्स. तो सो कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट आपका येलोस्टोन वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट्स दैट द कॉज इन द सीरियस इन अननोन. नेक्स्ट है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. इससे पहले जो भी हमने शिफ्ट के क्वेश्चंस किए उनमें जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट के क्वेश्चंस जो कमी आए हैं लेकिन इसमें जो कंटिन्यू चार पांच क्वेश्चन अभी हमें देखने को मिले हैं. तो इसमें है इफ़ इंडिया हैज़ लॉक्ड बेस्ट टीम सो फार तो इट हैज़ टू डू विद देयर एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ ए सेल्फी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इंटरनेट कल्चर एंड द ह्यूमन डिजायर टू इंटरेक्ट ऑन सोशल प्लेटफॉर्म. तो आंसर है नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड. नेक्स्ट है साइंटिस्ट डू नॉट नो एट एग्जैक्ट टाइम इट टेक फॉर टी गार्डन्स स्टार टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. तो आंसर है द एग्जैक्ट टाइम इट टेक्स. तो फोर्थ विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट है केमिकल्स यूज इन कोलेंट्स एंड एरोसोल स्प्रे हैव डैश ओजोन डिप्लीशन एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल. तो आंसर है ड्राई वैन. नेक्स्ट है पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ ए सेंटर हैज बीन जंपल्ड अप. तो अरेंज करना इनको. तो सबसे पहले आपका सी एस्ट्रोनॉट्स उसके बाद आपका एब्रॉड स्पेस उसके बाद आता आपका एंड दे हैव टेकन उसके बाद लास्ट आपका पिक्चर ऑफ देमसेल्व्स. तो सी ए बी डी आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट है देयर इन सम एक्साइटमेंट डैश सॉरी डैश नहीं ऑन द होरिजन बट आई कैन नॉट टेल यू अबाउट इट. तो आंसर है सून टू हैपन फर्स्ट आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड. तो एग्जीबिशंस करेक्टली जो पैरेलल गलत है अपार्टस ठीक है साइंस ठीक गलत है आपका तीनों गलत है लेकिन एग्जीबिशन आपका ठीक है. फिर आपका ट्रियम्फ तो एप्रोप्रिएट सिनोनियम क्या है तो ए ग्रेट विक्टोरी. नेक्स्ट है ड्राइड फ्रूट सच एज डैश तो करंट्स ऑफ सुल्तानास एंड फ्रीक्वेंटली एडिड टू द बेसिक मिक्स. तो आई एम नॉट एक्सेप्टेड टू बी वेल एडुकेटेड ऑन मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड डैश इवेंट्स. तो आंसर है करंट. नेक्स्ट है आई हैव बीन ऑन ए वाइल्ड गोस चेज ट्राइंग टू फाइंड ए बैग ऑफ डैंस फेवरेट पोटैटो चिप्स. तो ए वर्थलेस चेज फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट है डोंट लेस का एंटोनियम क्या होगा तो ये होगा कवर्डली. नेक्स्ट है ए मैजिकल और मेडिशिनियल पोर्शन तो एलिक्सिर. नेक्स्ट है स्पेंड द विंटर इन ए डोरमेंट स्टेट तो ये है हिबरनेट. नेक्स्ट है ऑथेंटिक का तो ये है फॉल्सिफाइड.
एंटोनियम नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल तो स्पिरिचुअल आपका जो है आध्यात्मिक ठीक है अमेंड अबंडेंट तो प्लेंटिफुल होगा नेक्स्ट है दे आर एट ओट्स ओवर द बेस्ट वे टू लेट द कमेटी तो आंसर है इन कॉन्फ्लिक्ट होगा इसका आइडियम नेक्स्ट है एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल कन्विसिटेड ऑफ पॉलिटिकल डिफेंस तो ये है एमनेस्टी नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग तो गाइडेंस आपका ठीक है फिर आपका ग्लोबलाइजेशन से जो पैसेज है तो इन द पैसेज द ऑथर स्टेट द ग्लोबलाइजेशन एज ए प्रोसेस इज नॉट न्यू बिकॉज तो आंसर है फॉर मैनी ईयर्स पीपल एंड कॉरपोरेशन हैव इन्वेस्टेड इन एंटरप्राइजेज इन अदर कंट्रीज सेकेंड आपका राइट है नेक्स्ट है फॉर अमंग द गिवन ऑप्शंस चूज द वन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड मायरिड एज यूज्ड इन द फोर्थ पैराग्राफ सेकेंड लाइन तो एक्सट्रीमली ग्रेट इन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पैसेज द वर्ल्ड हैज़ एंटर्ड ए न्यू फेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज द लास्ट फ्यू डिसेड्स हैव इंक्रीज्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड माइग्रेशन तो सेकेंड आपका राइट आंसर है नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ इफेक्ट्स ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट तो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द लाइट ऑफ द पैसेज तो ये है फॉरिजन फैक्ट्रीज एंड फॉरिजन पार्टनर्स हैव ए मिनिमल रोल टू प्ले इन द रिसेंट वेव ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 40 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिलिंग द ब्लैंक्स मोस्ट एम्फीबियन आर बायफेसिक मीनिंग दे स्पेंड देयर अर्ली वीक्स ऑफ लाइफ इन द वाटर एंड देयर अडल्ट लाइफ तो ऑन लैंड धरती पर नेक्स्ट है रीअरेंज करना है तो सबसे पहले आपका बी आएगा फिर आएगा सी फिर आएगा ए एंड आपका फिर डी फिर दैट ग्रीजली बियर्स ईट वर्म्स एंड ग्रासेस मे सरप्राइज पीपल बट द बियर्स एक्चुअली ईट ए ह्यूज रेंज इन थिंग तो आंसर है ए ह्यूज रेंज इन थिंग्स नेक्स्ट है वी हैव सीन फायरफ्लाइज ऑल आवर लाइफ बट इट हैज़ बिकम ए टूरिस्ट अट्रैक्शन ओनली इन द पास्ट 10 ईयर्स तो ऑल आवर लाइफ थर्ड आपका राइट आंसर है ग्रामेटिकली एरर है तो देखेंगे किसमें तो साइंटिस्ट हैव फॉर द फर्स्ट टाइम शो दैट सम वाइल्ड कोरल्स एंड फीडिंग ऑन टीनी पार्टिकल ऑफ प्लास्टिक ट्रैश तो आंसर है शो दैट सम डेंटल एक्सपर्ट स्टार्टेड फ्रेमिंग द क्वेश्चन ऑफ डेंटल केयर एज ए सोशल मॉरल एंड इवन पैट्रियोटिक इशू तो आंसर है इसका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड कोई सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे फ्रॉग जूस इज ए ट्रेडिशनल प्रिपरेशन डैश रॉ स्किन फ्रॉग ब्लेंडेड विद इंग्रीडियंट्स सच एज मैका रूट्स एंड हनी तो आंसर है मेड ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना तो सबसे पहले आएगा बी वैन ए केप बफेलो उसके बाद गोज डाउन इन साउथ अफ्रीका लायंस हाइनेस एंड पेंटेड डॉग्स फिर है विल सून अराइव टू फाइट ओवर द कैराकेस फोर्थ आपका राइट आंसर है नेक्स्ट है मैनी एनिमल प्रोवाइड द एसेंशियल सर्विस ऑफ क्रिएटिंग हैबिटेट एंड हाउसिंग फॉर अदर स्पीसीज दैट माइट नॉट बी एबल टू डू इट फॉर डैश देमसेल्व्स आंसर है फोर्थ नेक्स्ट आई ड्रॉपिंग कैच इज ऑफन द डिफरेंस बिटवीन लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप एंड गोइंग होम एम्प्टी एंडेड तो ए ड्रॉपिंग कैच सेकेंड आपका राइट है नेक्स्ट स्टडी हैव शोन दैट इन एरियाज वेयर एलिफेंट चेंज द इकोसिस्टम स्पेसिस बायोडाइवर्सिटी इज तो यहाँ पे आंसर है ग्रेटर मैनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फिश टू बर्ड्स हैव बीइंग फाइंड टू ईट स्मॉल पिट्स ऑफ प्लास्टिक तो हैव बीन फाउंड टू होगा नेक्स्ट है एंट्स स्क्विड्स हैव डैश आइज ऑफ एनी एनिमल दैट वी नो एंड दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव तो आंसर है द बिगेस्ट नेक्स्ट है व्हेन शी लुक्ड क्लोजर शी कुड सी दैट द हेड्स एंड जॉस ऑफ दिस पॉपुलेशन ऑफ फिश वर डैश देन नॉर्मल तो यहाँ पे है मच बिगर नेक्स्ट है आफ्टर सर्विंग इन द वियतनाम वार ऑथर पॉल पीकॉक स्पेंड ईयर अलोन इन द विल्डरनेस
observing grizzly bears. तो आंसर है स्पेंड ईयर्स अलोन. एज डिमांड फॉर टूथब्रशेज रोज प्रोडक्शन followed added of the development of existing new materials called plastic. तो आंसर है added by. Nothing in the wild goes to waste not dash a footprint. तो आंसर है even. Next है she was excited in studying corals and as she puts it having a conversation with nature. तो आंसर है was excited about. Next है like other plastic microbeads will survive in the environment and posing a threat to corals for centuries. तो आंसर है pose a threat to. Next है as far as we know blue feathers in birds have been dash uncommon through time. तो आंसर है fairly. Next है famous or well known typically for some bad quality or dead. तो आंसर है notorious. Notorious. Friendly and welcoming to visitor or guest. तो यह hospitable. Next है through caution to the wind. इसका idiom होगा to take a risk. Next है wrong spelling. तो interruption यहाँ पे आपका जो है वो रॉन्ग है. बाकी imbalance quantities proposition ठीक है. Next आपका idiom give the cold shoulder. कौन सा है intentionally ignore someone. Next है आपका a young person with exceptional qualities or abilities. तो आंसर है prodigy. First. Next है wrong spelling. तो confidently यहाँ पे आपका wrong है. Humorous ठीक है. Diligent ठीक है. Extraordinary ठीक है. Next है awkward. तो आंसर है convenient. Next है substantial. तो substantial का synonym होगा considerable. On a private patch of Iceland we have a large green. तो canvas आएगा. Next में आएगा canvas. नेक्स्ट है रॉन्ग स्पेलिंग. तो इंटरफेरेंस आपका रॉन्ग है. कॉन्फ़िगरेशन एम्ब्रॉयडरी और टूर्नामेंट ठीक है. इंटरफेरेंस आपका गलत है. मीनिंगफुल पैराग्राफ है तो आपको यहाँ पे रीअरेंज करना है. तो सबसे पहले आएगा ए पोलर रिसर्चर, उसके बाद आएगा एट 3:30 PM, उसके बाद आएगा आपका ऑन द डिसेंट, उसके बाद आएगा बिशॉप स्टैम्प. तो ए सी बी डी. नेक्स्ट है डोमिनेंस का सिनोनिम, तो यहाँ क्या होगा इन्फ्लुएंस. नेक्स्ट है सुप्रेस का एंटोनियम, तो इंक्रेज होगा. हिट द सैक, तो इसका आइडियम होगा आपका टू गो टू स्लीप. नेक्स्ट आपका पैसेज आ गया कि ऑल इट टुक वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी टू एंड द वीक लॉन्ग स्ट्राइक बाई जूनियर डॉक्टर. तो पैसेज आपका कुछ इस तरह है. अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रियल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम लाइज इन, तो ये है इम्प्रूविंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, काउंसलिंग पेशेंट, बेसिक सिक्योरिटी इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन. तो ऑल ऑफ द ऑप्शन आपके जो करेक्ट है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज वट इज़ द कॉज बिहाइंड द वोयलेंट अटैक ऑन डॉक्टर्स. तो आंसर है सिस्टमेटिक प्रॉब्लम इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर लिमिटेशंस. भी आपका राइट है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गिवन पैसेज वॉट एंडेड द वीक लॉन्ग स्ट्राइक बाई जूनियर डॉक्टर्स इन द स्टेट. तो आंसर है इम्प्रिसनमेंट बिसाइड्स रिकवरी ऑफ कंपेंसेशन फ्रॉम परपेट्रेटर्स फॉर लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है वाई डज द ऑथर ऑफ द पैसेज फील दैट द लॉ दैट प्रिवेंट्स वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर इन इनफेक्टिव. तो आंसर है द इंसिडेंट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर अकर्ड इन द स्टेट दैट ऑलरेडी हैड ए लॉ टू प्रोटेक्ट डॉक्टर अगेंस्ट वायलेंस. द गिवन पैसेज डील्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग इशू, तो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर सी आपका जो है राइट आंसर. नेक्स्ट 40 क्वेश्चन इन योर स्क्रीन. टेम्परेचर राइज एंड क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स नॉट जस्ट फ्यू कंट्रीज बट द एंटायर ग्लोब ऑन विच ऑल स्पाइसिस लाइव. तो आंसर है अफेक्ट नॉट जस्ट सम कंट्रीज. तो फ्यू की जगह यहाँ पे सम कंट्रीज. नेक्स्ट है प्लास्टिक कटलरी इज एवरीवेयर एंड मोस्ट ऑफ इट कैन बी यूज ओनली वंस. तो आंसर है थर्ड. नेक्स्ट है यहाँ पे
Unlike normal cells in our body, cancer cells keep on dividing and multiplying without control, forming lumps called tumors. तो यहाँ पे no substitution की जरूरत है. Next है आपका rearrange करना है. तो यहाँ पे when Paul became से start होगा आपका, और last में आपका introduce him to the benefit of raw honey. तो A D C B. Next है official in Barcelona, one of the world's busiest cruise ports, dash promised tighter control on mass tourism. तो आंसर है over the years it has become increasingly clear that cocoa and chocolates are not just good to taste and are good to cognition as well. तो आंसर है बट आर गुड फॉर सॉरी मेकिंग प्लास्टिक यूटेंशिल ब्राइट एंड पॉपी डैश टू ऑल्सो मेकिंग दैम वेरी पॉपुलर हिस्टोरियंस से. तो यहाँ पे आंसर है कॉन्ट्रीब्यूटेड. नेक्स्ट है देर आर मोर देन 20 स्पीशियस ऑफ कॉफिन फिश फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड डैश डेप्थ अप टू 8200 feet. तो यहाँ पे आंसर आपका एट डेप्थ होगा. नेक्स्ट है प्लास्टिक कल्ट्री इज एवरीवेयर मोस्ट ऑफ दैट इट कैन बी यूज ओनली. तो यहाँ पे इट होगा. नेक्स्ट है यूरोप डैश फ्रॉम 2003 हीट वेव विच किल्ड मोर देन 70,000 अक्रॉस द कॉन्टिनेंट. तो आंसर हैज़ लर्न. नेक्स्ट है बुक्स आर इसेंशियल आइटम टू पैक डैश समर ट्रेवल्स राइट नेक्स्ट टू दी सनस्क्रीन एंड शेड्स. तो आंसर है यहाँ पे फोर. नेक्स्ट है आपको रीअरेंज करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है पैराग्राफ को दिया. तो स्टार्टिंग आपकी होगी इन मई ए डेडली, और नेक्स्ट आपका अराउंड 12% ऑफ ए फैमिली. तो सी बी ए डी यहाँ पे आपका आंसर है. फिर आपका ग्रामेटिकली एरर. तो व्हेन द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर लर्निंग टू थिंक लाइक ह्यूमंस डाटा हैज़ बिकम मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स. तो आंसर है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स. नेक्स्ट है समटाइम्स इन द परस्यूट ऑफ मेकिंग थिंग्स बेटर एंड इफिशियंट यू मे बी हर्टिंग पीपल अलोंग द वे. तो यू मे बी हर्टिंग when you arrive at a place, so you dash part of that place. So answer hai become. Silicon Valley optimism and the practical dreamers who keep it gone have long fascinated me. So answer hai who keep it gone. Next hai grammatical error dekhna hai. So the euro was adopted on January 1, 1999 and the फर्स्ट कॉइन बिगन टू सर्कुलेट 3 years लेटर. तो यूरो वाज एडॉप्ट. नेक्स्ट आपका जर्नलिज्म जर्नलिस्ट आर लूजिंग जॉब्स सो फास्ट इट इज़ टाइम दे गो इनटू एंटरप्रेन्योर मोड. तो आंसर है दे वेंट इनटू. इन 60 बीसी मार्कस लिसिनियस क्रेसस वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन रोम. तो आंसर है पावरफुल मैन इन रोम. द UN इज कॉलिंग ऑन पीपल एवरीवेयर टू टेक कंक्रीट स्टेप टू बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन एट इट्स ऑन लाइफ. तो आंसर है इन देयर ऑन लिव्स. ए ड्राई रन का आइडियम क्या होगा, ए प्रैक्टिस सेशन. नेक्स्ट है एक्यूमुलेट. तो आंसर है यहाँ पे गैदर. नेक्स्ट है ए रूलर विद टोटल पावर ओवर ए कंट्री टिपिकली वन हु हैज़ ऑब्टेन कंट्रोल बाय फोर्स. तो आंसर है डिक्टेटर. नेक्स्ट है ईडियम बताना एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट. तो आंसर है इमीडिएटली. नेक्स्ट है सिनोनियम बताना है एम्पलीफी तो इंक्रीज. फिर आपको रॉन्गली रॉन्ग स्पेलिंग बतानी है तो कंस्टिटेंसी यहाँ पे आपका रॉन्ग है. प्रिजनर ठीक है, इंटरवल ठीक है, एग्जीबिशन ठीक है. फिर आपका
कंडेम, एंटोनिम क्या होगा, तो इसका होगा प्रेज। नेक्स्ट है ही माइट डैश एट द ऑफिस ब्रीफली बिफोर लिविंग फॉर द डे। द फीट ऑफ द थ्रोन आर मॉडल्ड आफ्टर लार्ज कैट लाइक डैश विदाउट क्लॉज। तो आंसर इसका पहले में आएगा पॉज, दूसरे में आएगा पॉज। नेक्स्ट है रीअरेंज करना है आपको मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो स्टार्टिंग आपकी होगी यहाँ से एनी वन हु हैज़ एवर बोट, और जो आपका फिनिश्ड होगा वो होगा दे हैव वेरिएड वाटर नीड्स। तो सी ए डी बी आपका जो हो राइट आंसर होगा। फिर है रॉन्ग स्पेलिंग बतानी है आपको। तो सर्जन ठीक है, ओपिनियन ठीक है, रिलेटिव ठीक है, लेकिन पब्लिसिटी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है आइडियम बताना कम रेन और शाइन। तो आंसर है नो मैटर व्हाट द वेदर इज। नेक्स्ट है एट्रोसियस का एंटोनियम बताना है। तो एडमरेबल यहाँ पे आपका एंटोनियम होगा। नेक्स्ट है ए वाइड स्ट्रीट इन ए टाउन और सिटी टिपिकली वन लाइन विद ट्रीज। तो यहाँ पे आंसर आपका बॉलीवुड। नेक्स्ट आपका ए पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन टू डिस्कवर द कोज ऑफ डेथ ऑन द एक्सटेंट ऑफ डिजीज। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑटोपसी। फिर आपका रॉन्ग स्पेलिंग तो यहाँ पे विलियन। नेक्स्ट है फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम एज द वर्ड परवेज। फर्स्ट ग्राफ में तो एवरी वेयर। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक मेक इट नियरली इम्पॉसिबल टू ब्रेक डाउन। तो आंसर है ड्यूरेबिलिटी एंड रेसिस्टेंस टू डिग्रेडेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ नॉट बीन सजेस्टेड एज वन ऑफ द वे टू टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। तो आंसर है प्रमोटिंग द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक फर्स्ट। नेक्स्ट है द मेन कंसर्न ऑफ द ऑथर इन द गिवन पैसेज। तो यहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन को यहाँ पे कंसर्न किया ऑथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हाफ ऑफ ऑल प्लास्टिक प्रोड्यूस इज डिजाइन टू बी यूज ओनली वंस। ठीक है अराउंड द वर्ल्ड 1 मिलियन प्लास्टिक ड्रिंकिंग बॉटल आर परचेज्ड एवरी मिनट। ठीक है डिस्पोजेबल प्लास्टिक हैव सर्व इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंस। ठीक है लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक वाटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो फोर्थ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सम स्पीसीज ऑफ पेंजुइन आर ऑल्सो अडेप्टिंग टू जेलियस एज एन अल्टरनेटिव सोर्स डैश फूड। तो सोर्स ऑफ फूड फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट मैनी किड्स टूडे आर वेल अवेयर दैट प्लूटो यूज टू बी कंसिडर्ड ए प्लेनेट। तो आंसर है दैट प्लूटो यूज टू बी सेकेंड आपका राइट आंसर है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज हाई ऑन द एजेंडा टू द गवर्नमेंट एंड वेरियस रिफॉर्म्स आर बींग अंडरटेकन। रीअरेंज करना आपका सेंटेंस। तो स्टार्टिंग आपकी इंडिया से होगी, उसके बाद आपका ऑन वेडनेसडे, उसके बाद आपका रिज्यूमिंग एंड नेक्स्ट दैट लेस्ड द सिटी सब्सिडेड। सी ए बी डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। द एशियन अरावना आल्सो नोन एज द ड्रैगन फिश इज बिलीव्ड डैश द चाइनीज टू ब्रिंग गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आंसर है बिलीव्ड बाय द चाइनीज टू ब्रिंग। नेक्स्ट आपका मोस्ट कारपेट आर नॉट मेक फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, इट इज़ मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल्स सच एज नायलॉन और पॉलिस्टर। तो आंसर है इज नॉट मेड फ्रॉम फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यू एच ओ ओवर 400 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड लैक एसेस फॉर इशेंशियल हेल्थ सर्विसेज। तो आंसर है लैक एसेस फॉर। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर सेल्फ केयर विच मोस्टली हैपन आउटसाइड द मोर फॉर्मल हेल्थ सिस्टम इज नथिंग न्यू। तो आंसर आपका हैपन आउटसाइड दी। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स।
Some frogs are able to grow bigger heads and fins, which enable them to eat their kin and grow. तो यहाँ पे आंसर होगा आपका फास्टर. द सेंट्रल रेलवे हैज़ डिसाइडेड टू रन लोकल ट्रेन इन लिमिटेड कॉरिडर्स एज फॉर वाटर लॉगिंग ऑन द रेलवे ट्रैक्स. तो आंसर आपका ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑन. थर्ड, लेटर राइटिंग इज नियरली फॉरगॉटन एज एन एक्टिविटी एंड ऑफ दोज हु क्लेम टू स्टिल राइट दैम. We speak dash wonder. तो आंसर इसका speak with wonder. Next है, jellyfish were previously thought to be a dead and for the food web dash their low nutritional content. तो आंसर है due to their low nutritional content. Next है, cutlery can took century to break down naturally giving the plastic waste ample time to work its way into the environment. तो यहाँ पे आंसर है take centuries to break down. Fourth answer. Next है, Turkey with a population of more than 80 million now host the largest refuse population in the world. तो आंसर है यहाँ पे no substitution required. Next है, thanks to our core earth is wrapped in a magnetic sheet that protecting the planet from harmful radiation. तो आंसर है sheath that protected the planet. Next, global warming is like having in a minefield that gets progressively more dangerous. तो आंसर है being in a minefield. First will be right answer. Next है, dash a total solar eclipse the moon passes in front of the sun and casts its shadow on the earth. तो आंसर है during. नेक्स्ट आपका फिर से रीअरेंज करना है. तो स्टार्टिंग आपकी टू एली सिजेनिया से, उसके बाद आपका नॉन द वर्ल्ड ओवर, उसके बाद है आफ्टर इमिग्रेटिंग टू द यूनाइटेड स्टेट एंड लास्ट वन टुडे एज द परफॉर्मेंस. तो आंसर आपका बी डी सी ए 18 का थर्ड. नेक्स्ट है, द सिल्वर रॉयल बटरफ्लाई इज़ ए वेरी रेयर स्पीशीज दैट वी हैव स्पॉट वंस इन 2016 एंड अगेन नाउ. तो आंसर है दैट वी हैव स्पॉट. नेक्स्ट है, डैश स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलिमा आई बिगेन एक्सप्लोरिंग मैक्सिको क्रॉसिंग द कंट्री सेवरल टाइम्स बाय बस. तो एज स्टडिंग होगा. सिनोनिम पूछा है इंटरप्रिट का तो यहाँ पे फेयरलेस. फिर आपका रॉन्ग स्पेलिंग वर्सटाइल ठीक है, प्रिपरेशन प्रिविलेज या राइट यूज ठीक है. तो यहाँ पे प्रिपरेशन जो है वो रॉन्ग स्पेलिंग है. नेक्स्ट है, एन एनिमल दैट फीड्स ऑन अदर एनिमल. तो कार्निवोर होता है आपका सेकंड राइट है. नेक्स्ट है, मेंटेनेंस कैप्टिवेबल रेफर्ड कैलेंडर. तो इनमें से कौन सा गलत है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस आपका गलत है. कैलेंडर ठीक है, सी एल ई एन डी ए आर रेफर्ड ठीक है, कंपटेबल ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस यहाँ पे आपका गलत है. ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड, तो यहाँ पे अर्चीव. नेक्स्ट है, हैजर्डस, तो यहाँ पे उसका आंसर होगा रिस्की. फिर आपका कंसील तो अनरैप आंसर होगा. नेक्स्ट है, फिर से आपका रॉन्ग स्पेलिंग, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो गलत है. नोटिसेबल ग्रेटफुल इन्फ्लुएंशियल ठीक आपका. फिर आया ए हॉट पोटैटो, तो ए कंट्रोवर्शियल इशू ईडीएम होगा इसका. एक्रॉस द बोर्ड का ईडीएम होगा इम्पैक्टिंग एवरी पार्ट. फिर से आपका रीअरेंज सेंटेंस है जिसमें आपका स्टार्टिंग होगी द मैन से, दी मैन से, और जो आपका लास्ट सेंटेंस है होगा बांग्लादेश मीन वाइल, तो डी सी बी ए. फिर आपका ऑट्रीजियस, तो इसका आंसर होगा प्लीसिंग. फिर है ब्रेथफुल, तो एनरेज्ड इसका आंसर होगा. फिर है ईडियम पूछा है सी चेंज, तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट आपका स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, तो एक्स टीम पोर यहाँ पे आपका आंसर होगा. फिर आपका ऑल थ्रू टेक्नोलॉजी इज फाइनली बींग
integrated into education. So ये पैसेज आप पढ़ लीजिए. द मैन कंसर्न ऑफ द ऑथर इन द गिवन पैसेज. तो गिवन पैसेज में ऑथर ने मेनली कंसर्न तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन प्रोसेस. तो थर्ड विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट है, वॉट डज द ऑथर स्टेट दैट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस लर्निंग कांट बी ओवर एम्फेसाइज्ड. तो आंसर है द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम इज स्टिल लो. थर्ड है, वट इज़ द मेन पर्पज बिहाइंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टू स्कूल. तो आंसर है टू चेंज द वे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स गैदर एसेस एनालिज प्रेजेंट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन. तो आंसर आपका फर्स्ट. नेक्स्ट है, द ऑथर कोट्स द एग्जाम्पल ऑफ ब्रेल मशीन्स टू हाईलाइट द फॉलोइंग पॉइंट. तो आंसर है द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज बेसिकली मेंट फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स. तो आंसर है सेकेंड. नेक्स्ट है, हाउ इज टेक्नोलॉजी सीन बोथ हैज ए टूल एंड ए कैटलिस्ट फॉर चेंज. तो आंसर है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन लीड टू इंक्रीज्ड इफिशियंसी एंड ऑल्सो अफेक्ट ए पेडागोजिकल चेंज. नेक्स्ट 40 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. डायबिटीज इज ए डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म हुज अर्लीस्ट नॉन डॉक्यूमेंटेशन अपीयर्स इन एन इजिप्टियन टेक्स्ट. तो आंसर है नो सब्स्टिट्यूशन. इन रिसेंट डिकेड्स रिसर्चर हैव रिफाइंड एंड हॉन इंसुलिन टू मेक इट्स मोर स्टेबल लॉन्गर लास्टिंग एंड ईजियर टू इंजेक्ट. तो आंसर है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड. नेक्स्ट है ये सेंटेंस फोर पार्ट. तो इसको मीनिंगफुल मतलब रीअरेंज करना है. तो सबसे पहले आपका नॉन फिक्शन इस वर्चुअली. उसके बाद आपका हु रीड्स वी रीड्स एज लिटरेचर. नेक्स्ट है नॉट कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ नॉवल. और लास्ट है शॉर्ट स्टोरी प्ले और पोएम. तो बी डी ए सी आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट है देयर इज़ नो बैड सीजन टू विजिट वर्सलाइज बट इट्स एक्सटेंसिव गार्डन्स आर एट इट्स बेस्ट इन स्प्रिंग एंड समर. तो आंसर है आर एट देयर बेस्ट. फोर्थ विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट है जेब्रा फिश सीम टू एक्सपीरियंस स्लीप साइकल्स दैट आर सिमिलर डैश स्लीप इन ह्यूमंस. तो आंसर है टू. द क्लाउन फिश कैन लीव फॉर एट लीस्ट 30 ईयर्स. इट विल बी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन इफ द फिश कैन अडेप्ट ऑन लाइट. तो आंसर है द फिश कैन अडेप्ट ऑन लाइट. सेकेंड विल बी राइट आंसर. प्लेग्ड द मैकेनिशियल एंड कंस्ट्रक्शन इश्यूज नन ऑफ द शिप्स एक्चुअली मेक इट टू यूरोप ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो एक्चुअली मेक इट टू यूरोप. फिर आपका मीनिंगफुल अरेंज करना. तो इसका आंसर होगा आपका और मोरिंग कप. उसके बाद आएगा अकॉर्डिंग टू ए 2019 रिपोर्ट. फिर आपका दिस इज़ ड्यू टू वर्सनिंग. उसके बाद है आपका क्लाइमेट चेंज एलोन एक्सपर्ट. तो डी यानी कि ए सी बी डी आपका राइट आंसर है. डैश फूड ग्रेन्स एग्रीकल्चर आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. तो आंसर है बी साइड्स. द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज ए मल्टी बिलियन डॉलर क्रिमिनल इंटरप्राइज. तो आंसर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड. नेक्स्ट है पेरू इज़ ए वर्ल्ड लीडर इन लॉ एंड पॉलिसीज दैट सपोर्ट यूज्ड नेचुरल इकोसिस्टम. तो आंसर है दैट सपोर्ट यूजिंग. नेक्स्ट है इन डिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एज डैश टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग ओजोन लेयर डिप्रिसिएशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. तो आंसर आपका लेड. नेक्स्ट देयर आर मैनी रिलीजियस in our country that are rich in resources that are including in economically backward region. To answer a but. 3/4 of the earth surface is covered with water but only a small proportion of it accounts that fresh water that can be put to use. So answer is ka 4. The flood have not only devastated and property has caused extensive soil erosion. तो आंसर है बट ऑल्सो. नेक्स्ट है मलाउस बे ऑलरेडी इज ए पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट
where visitors can kayak through shipwreck and observe an array of wildlife. तो आंसर है मेलॉस बे ऑलरेडी इज ए ह्यूमन बींग इंट्रैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट डैश इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आंसर है देयर टू प्रोटेक्ट द प्लेनेट एंड कॉफी प्रोड्यूसिंग नेस्प्रेसो इज बैटलिंग क्लाइमेट चेंज फ्रॉम द ग्राउंड अप बाय प्लांटिंग मिलियन ऑफ ट्रीज. आंसर एंड कॉफी प्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड्स डैश लैंड मैमल द चीता इज ए यूनिक एंड स्पेशलाइज मेम्बर ऑफ द कैट फैमिली एंड कैन मूव एट द स्पीड 112 किलोमीटर पर आवर. तो आंसर है फास्टेस्ट. नेक्स्ट है आफ्टर मंथ ऑफ ग्रूइंग ट्रेनिंग द फर्स्ट इमिराती एस्ट्रोनॉट विल सून ब्लास्ट ऑफ ए हिस्टोरिक मिशन अब्रॉड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. तो आंसर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. फिर आपका रॉन्ग स्पेलिंग पूछा है तो लॉन्गिटिविटी यहाँ पे आपका लॉन्गिविटी आपका गलत है. रिकैम्प इम्प्रोबेबल ठीक है. रिक्लूज ठीक है. नेक्स्ट है वाइल्ड गोस चेज. तो आंसर है चेज फॉर समथिंग डिफिकल्ट. नेक्स्ट है कंप्लेंट. तो आंसर इसका डिफिएंट. नेक्स्ट है एन अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ वर्ड रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट. तो आंसर है ग्लोसरी. नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप. तो आंसर है कॉन्ग्रीगेशंस. नेक्स्ट है रॉन्ग स्पेलिंग. तो एरोनियस आपका जो रॉन्ग स्पेलिंग है ह्यूमिलिएटेड ठीक है. एंडोर्स ठीक है. रेस्ट्रिक्ट ठीक है. फिर आपका से रॉन्ग स्पेलिंग तो एक्सटर्ट डिस्क्लोज और थर्ड आपका जो रॉन्ग है. फिर नेक्स्ट है लिथर्जी ठीक है आपका. ईडियम पूछा है द एप्पल ऑफ वन्स आइज. तो ए चेरिस्ड पर्सन. लिथार्जिक आपका इसका क्या होगा सिनोनियम तो इनएक्टिव. नेक्स्ट है रिप्रोच का डिसअप्रूव होगा. नेक्स्ट है सस्पिशियस तो क्रेडिबल होगा इसका एंटोनियम. ए पर्सन हु ड्रॉ और प्रोड्यूस मैप तो यह कार्टोग्राफर. नेक्स्ट है फाइट टूथ एंड नेल इसका आइडियम क्या होगा टू कंप्लीट विद इंटेंसिटी. कैंडिड का सिनोनियम क्या होगा तो ये होगा फ्रैंक. फिर से आपका रीअरेंज मीनिंग करना है तो सबसे पहले आपका होगा आर्कियोलॉजिकलिस्ट उसके बाद आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी उसके बाद है ओरिजिनल डेवलप फॉर क्लाइमेट साइंस. नेक्स्ट है दे कैन ट्रैक तो DBCA आपका राइट आंसर है. द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो आंसर है टिम्बर ट्रेड. नेक्स्ट व्हाट लेड द इंटरपोल एंड द WCO टू कम टुगेदर एंड जॉइन हैंड्स इन ऑपरेशन. तो आंसर है वाइल्ड लाइफ क्राइम हैज स्पिक्ड इन रिसेंट ईयर्स. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द की ऑफ डीलिंग विद वाइल्ड लाइफ क्राइम. तो आंसर है इट इज अबाउट टारगेटिंग द क्रिमिनल नेटवर्क रादर देन इंडिविजुअल्स. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज एसोसिएटेड विद इलीगल वाइल्ड लाइफ एंड टिम्बर ट्रेड. तो आंसर है ऑपरेशन थंडरबर्ड एंड ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिवन पैसेज इज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन तो वाइल्ड लाइफ क्राइम. नेक्स्ट व्हाट इज क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. एवरीवन इन द टाउनशिप वाज सो काइंड एंड सो वेलकमिंग डैश आई फेल्ट ट्रूली हम्बल्ड. तो दैट आई फेल्ट ट्रूली. नेक्स्ट है टैक्स पेयर्स हु डू नॉट हैव ए पैन कार्ड कैन फील्ड रिटर्न्स क्वोटिंग देयर आधार नंबर. तो आंसर है फील्ड रिटर्न्स क्वोटिंग. नेक्स्ट है डैश आई वॉज इनिशियली इंटरेस्टेड इन आर्ट आई फेल्ट मोर ऑफ ए कनेक्शन टू म्यूजिक. तो आंसर है इवन थो. फॉर एज लॉन्ग एज ह्यूमन हैव लिव्ड ऑन प्लेनेट अर्थ द मून इज बीन ए फोकस ऑन फैसिनेशन. तो आंसर है द मून इज बींग. नेक्स्ट है कॉट बिटवीन द डीप वाटर्स ऑफ द आर्कटिक एंड एटलांटिक डैश एक्सपीरियंसिंग क्लाइमेट चेंज फ्रॉम बोथ डायरेक्शन. तो आंसर है इट्स
Because I travel so much, I not only feel like a citizen of the world, dash like a part of a global family, next, but also. The earthquake was in a fairly unpopulated area, but a lot of people feel it. A lot of people feel it. Next, the climate kept on change, bringing ever more irregular rains, storm, and temperature swing. Tonsra keeps on changing. The monk parakeet is one of 25 tropical parrot species that have gone from pet to wild animal. To answer, no substitution required. It is normal to be scary during an earthquake, which can rock the ground like a boat in rough water. So it is normal to be scary. Next, measuring 10 feet tall, the American Swan elephant is one of the dash land animal on earth. To answer, the largest. फिर से आपका मीनिंगफुल अरेंज करना है. इंग्लिश इज नॉट ओनली वाइडली यूज्ड इन इंडिया बट वी नो हैव एन इम्प्रेसिव बॉडी ऑफ लिटरेसी राइटिंग बाय इंडिया इन इंग्लिश. सी ए डी वी आपका राइट आंसर है. इफ द होल ऑफ द ग्रीनलैंड आइस कैप मेल्ट्स द सी लेवल विल राइज डैश 6 and 7 meters. तो आंसर है बिटवीन. इन द यूनाइटेड स्टेट एटलीस्ट 300 people has been attacking by an exotic pet since 1990. So have been attacked. यहाँ पे आंसर है. Next है, methane stays in the atmosphere for less time than carbon. It is highly effective trapping heat. तो आंसर है H. Next है, for the best wolf sightings, visit in summer or midwinter. And search at the earlier morning. तो आंसर है ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग. एग स्मगलिंग इन इज ए क्राइम दैट इज ग्रोइंग इन नंबर्स बिकॉज एग्स आर इजी टू स्मगल देन लाइव बर्ड्स. तो आंसर है आर इजियर टू स्मगल देन. नेक्स्ट है रीअरेंज करना है. सो सबसे पहले आपका ए आएगा, फिर डी, फिर सी और फिर बी. नेक्स्ट है, ए स्टडी शो डैट फॉरेस्ट Restoration is the best climate change solution available today. तो आंसर है क्लियरली. नेक्स्ट है, लायन आर मोर लाइकली टू अटैक इन ड्रॉट ईयर्स लाइक 1965 विच इज एन एबनॉर्मली ड्राई वन इन केनिया. तो आंसर है विच इज एन एबनॉर्मली. कंसेंट का आंसर क्या होगा, सिनोनियम तो होगा परमिशन. ग्लोरीफी क्या क्या होगा, एंटोनियम तो ये होगा विलेफी. नेक्स्ट है, डेस्टिट्यूट का आंसर क्या होगा, एंटोनियम तो ये होगा वेल्थी. डिमिनिश का क्या होगा, तो ये होगा डिक्लाइन, सिनोनियम. फिर से आपका रीअरेंज है. तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट यूजली इन्वॉल्व सम ग्रास्प ऑफ इट्स पास्ट द होल्ड्स ट्रू प्रोबेबली. यानी आंसर होगा डी सी बी ए. नेक्स्ट है, कोर्स का सिनोनियम तो होगा आर ओ यू जी एच रॉफ. नेक्स्ट है, एज हैप्पी एज लैरी तो इन ए वेरी गुड स्प्रिट्स. नेक्स्ट है, रॉन्ग स्पेलिंग तो यहाँ पे होगा प्रेंटेंटियस. कॉन्सिक्वेंस ठीक है, इम्प्रोबेबल ठीक है और वुलनरेबल ठीक है आपका. नेज एज अगली एज सीन तो बी विजुअली अनएट्रैक्टिव. नेक्स्ट है आपका, कट ऑफ बाय सर्जिकल ऑपरेशन तो ये है एम टेट. नेक्स्ट है, फील लाइक ए मिलियन डॉलर्स तो फील हेल्थी एंड हैप्पी. द प्रैक्टिस ऑफ कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट द सेम टाइम. तो आंसर है पॉलीगैमी. नेक्स्ट है, रॉन्ग स्पेलिंग तो यहाँ पे होगा कन्वर्जेंस. नेक्स्ट है, रॉन्ग स्पेलिंग तो यहाँ पे इंटीग्रिटी का रॉन्ग स्पेलिंग है. नेक्स्ट है, एबल टू अडेप्ट और बी अडेप्टेड टू मैनी डिफरेंट फंक्शन और एक्टिविटीज. तो आंसर है वर्सेटाइल. नेक्स्ट आपका एयर पोल्यूशन से रिलेटेड पैसेज है. द ऑथर ऑफ द गिवन पैसेज इज मेनली कंसर्न तो एयर पोल्यूशन पर किया है. नेक्स्ट है, द गिवन पैसेज इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन फ्रॉम तो ए साइंस जर्नल. नेक्स्ट है, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मॉग एंड सूट डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग तो हीट रिलेटेड डेथ्स.
Next, the author of the passage does not mention one of the following options are possibly solution to air pollution. So, the answer flying food from across the country. Next, which of the following is true as per the information mentioned in the passage? The mold and allergens from tree can be hazards to health. Next, what is question on your screen? Grammatical error, find out another groundwater that provides an invaluable buffer between monsoon is severely depleted and endangers to irreversibly lost. The answer is in dangers of irreversibly lost. Next, giraffe death have also increased because human population has grown the expand into what used to be wild lands. The answer have grown and expanded into. Next, wages are now paid to prisoners and some places, but the amount earned in nominal and dash offers any incentive or encouragement. The answer hardly. Next, meaningful sentence banana. To sabse pehle aapka ek quarter of Bangalore's population, uske baad hai living mostly on its periphery, is not connected, uske baad hai and it is forced. So A, C, B, D. Next, once the wettest place on earth, dash Cherrapunji, a town in northeastern India, comma, has faced a drought each winter for the past few years. So answer has faced a drought each winter. Next, we did not have plastic 70 years ago, and then in the post-war boom, you had chemists whose were going to provided us with this brave new world. So answer who were going to provide us with. Next, dash the fact that the capture and sale of spiny butterfly rays are illegal. It is one of the main threats faced by them. The answer despite. Next, how animals perceive the world around them is still a mystery to use in so many ways. The answer the world around them. Child labor can't be totally eradicated, dash it is supplemented by comprehensive socio-economic program. The answer unless it is. Next, India being a democratic welfare state in committed dash provide job for as many people as it can. The answer to provide. Next, a new study shows that goats can differentiate between other goats' happiness and displeasure by listening to its voice. The answer listening to its voice. The uneven distribution of population in the world has severely dashed the fragile ecological balance in many countries. The answer affected. Next, the alarming trend of migration and the exorbitant rental value do not permit the urban poor to afford a roof dash their heads. The answer over. The subspecies of giraffe has declined by nearly 50% in the last year, largely because of poaching and changes in land use. Sons have declined by nearly 50%. Next, the deterrent value of death penalty has been a subject of intense dash inconclusive debate. Sons though. THOUGH. Next, in order to make plastic suffer more flexible and more transparent, they are often mixed with plastic scissors, particularly for food packaging. Answer no substitute required. The aquarium has the role of showing people threatened species and helping them understand the importance of dash conservation. The answer there. The plastic ramp contributes to the larger plastic pollution crisis. It's difficult to recycle and it's make from potentially harmful
केमिकल्स तो आंसर है इट इज़ मेड फ्रॉम। नेक्स्ट है केरला स्टेट इन द साउथ वेस्ट फ्लडेड डिवेस्टेटिंगली इन 2018 एंड सॉ इट्स वेल रन ड्राई सून आफ्टर तो आंसर है इन 2018 एंड सॉ इट्स वेल। नेक्स्ट है रीअरेंज करना तो सबसे पहले आपका इन द विंटर ऑफ 2013, उसके बाद है माई लॉन्ग वॉक इज अबाउट स्टोरी टेलिंग आई रिपोर्ट वट आई सी एट वोट, उसके बाद है फ्रॉम द स्टार्ट आई न्यू माई रूट तो बी डी ए सी आपका आंसर है। फिर आपका क्रोक्ड का सिनोनियम तो होगा ट्विस्टेड, फिर आपकी रॉन्ग स्पेलिंग तो आपकी फर्स्ट आपका राइट आंसर है और सारी आपकी स्पेलिंग जो ठीक है। नेक्स्ट है होल्ड योर हॉर्सेस तो आंसर है टू बी पेशेंट। नेक्स्ट है एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स तो आंसर है पाइरोमेनिया। नेक्स्ट है रॉन्ग स्पेलिंग तो फर्स्ट आपका इरेक्सियम आपका जो है वो रॉन्ग स्पेलिंग है। नेक्स्ट है फिर से आपकी रॉन्ग स्पेलिंग है तो ड्यूरेबल आपका जो रॉन्ग स्पेलिंग है, बाकी गोटिस्ट डक्टाइल और कंसाइन आपका जो हो ठीक है। नेक्स्ट है कीप योर चिन अप तो टू इम्प्रूव वंस मूड। नेक्स्ट है बोस्टेरियस तो आंसर है रेस्ट्रेंड। नेक्स्ट है टॉप नॉच का तो एक्सीलेंट आपका आंसर है। नेक्स्ट है द एक्शन ऑफ किलिंग ए किंग तो आंसर है रिजिसाइड। नेक्स्ट ए पर्सन हु अबैंडन्स ए रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल तो आंसर आपका एपोस्टेट। नेक्स्ट आपका कंसोलिडेट तो आंसर है आपका वीकन, एंटोनिम होगा इसका वीकन। नेक्स्ट आपका इडियम स्लैप ऑन द रस्ट तो आंसर है माइल्ड पनिशमेंट ऑन वार्निंग। नेक्स्ट आपका रीअरेंज करना है तो सबसे पहले ऑन जुलाई 16, 1969 द क्रू ऑफ द अपोलो 11 मिशन, उसके बाद आपका नाउ 15 ईयर्स ऑफ टू द डे पीपल ऑन अर्थ, फिर आपका ऑब्जर्व इन यूरोप एंड अमेरिका विल विटनेस नेक्स्ट द मोस्ट ड्रामेटिक पार्ट ऑफ द एक्लिप्स तो आंसर है डी सी बी ए रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है पहले टेबल का तो यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री सिनोनियम है, उसके बाद आपका जो पैसेज आ गया है पैसेज देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू एज पर द गिवन पैसेज तो आंसर है लोकल सिटीजन एंड कम्युनिटीज हैव लिटल रोल टू प्ले व्हेन इट्स कम्स टू वाटर मैनेजमेंट तो आंसर होगा आपका सेकेंड। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज चूज एंड ऑप्शंस दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग इन द वर्ड ग्रैपलिंग एज यूज इन द फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड लाइन तो आंसर आपका स्ट्रगलिंग। नेक्स्ट है द यूनियन गवर्नमेंट्स जल शक्ति मिनिस्ट्री वॉज फॉर्म्ड विद एन एम टू तो आंसर है प्रोवाइड पाइप्ड वाटर कनेक्शंस टू एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया बाय 2024। द गिवन पैसेज इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन फ्रॉम तो आंसर है ए न्यूज़पेपर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे जीरो सिनेरियो इन इंडिया तो आंसर है नेगलेक्टिंग आवर लोकल वाटर बॉडीज। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे 400+ क्वेश्चंस जो कि हमने यहाँ पे डास ग्रेड 4 20/18 जूनियर असिस्टेंट के कंप्लीट किए इंग्लिश सेक्शन के। ऐसे ही आने वाली और वीडियोस में हम ऐसे सेक्शंस को जो कवर करेंगे जिन्हें भी प्रीवियस ईयर में डीटी प्लस भी ने एग्जाम लिए हैं चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो नॉन टीचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।